भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर आजादी गौरव पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान और त्याग के महत्व का एहसास कराने के लिए और भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 अगस्त को नरखेड़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आजाद गौरव पद यात्रा का उद्घाटन किया गया था। ये यात्रा काटोल, कलमेश्वर, सावनेर, पारशिवनी और रामटेक तक पहुंची। रामटेक में आजाद गौरव पद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री सुनील केदार और नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र मूलक, विधायक अभिजीत वंजारी, कांग्रेस नेता पर्यटन मित्र चंद्रपाल चौकसे, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला परिषद सदस्य दुधराम सवालाखे, जिला परिषद सदस्य शांता कुमरे, रामटेक तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश राउत, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद दामोदर धोपटे, कांग्रेस नेता किशोर गजबिये, पीटी रघुवंशी, सलील देशमुख, तुलाराम मेंढे, कुंडा राउत और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद के पूर्व पदाधिकारी, नगर पंचायत के सभी पार्षद, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, इंटक, NSUI, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और विभिन्न प्रकोष्ठों के अनुसूचित अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।